हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या कंडक्टेंस क्या होता है, उसको मैं काफी डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। इस टॉपिक को करने से पहले हम सिंपल सी बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। स्टूडेंट, हम सबको पता है कि जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, इजिली पास हो जाए। तो जिन सब्सटेंस में से करंट इजिली पास हो जाता है उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, और जिनमें से पास नहीं होता उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इन बिटवीन लाई करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, उन्हें हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये सब हम डिटेल में पहले ही बात कर चुके हैं। बात आती है कि जो कंडक्टर्स होते हैं ये दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसको अगर हम अपने डेली लाइफ में सोचे तो हमारे पास जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे हमारे पास फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, इसमें जो कंडक्टिविटी हो रही है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से हो रही है। तो मेटल कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कॉपर वायर की यानी मेटल है, मेटल की वजह से जब मेटल के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है उसे हम मेटालिक कंडक्टिविटी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर जो इलेक्ट्रोलाइटिक है, कई बार हम देखते हैं NaCl का सोल्यूशन हमने बनाया, उसमें से करंट पास कर रहे हैं, करंट पास हो रहा है, मगर वहां पे करंट किसकी वजह से पास हो रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो बेसिकली हमने दो टाइप के कंडक्टर की बात की, अब डिटेल में मैं इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम समझते हैं मेटालिक कंडक्टिविटी को या तो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है, स्टूडेंट मेटल के अंदर हम बात करें तो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी होती है। यानी मेटालिक कंडक्टिविटी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कितना इजिली मूव कर रहा है। इवन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो 0 केल्विन या 4 केल्विन टेम्परेचर के बेस रेंज में जब जाते हैं, दे शो सुपर कंडक्टिविटी, और वहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये हमारे मेटल की कंडक्टिविटी, मेटल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। आप सबने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी अगर आपने पढ़ा तो वो कहता है, मान लो ये मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर है, जिसे हमने यहाँ पे ब्लैक कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन सी है, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सी बोल देते हैं उसे। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको पहले ही बता रखा है कई वीडियोस में। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी में क्या होता है, वो कहता है मान लो एक समुंदर है जिसमें पत्थर पड़े हुए, पत्थर्स को स्टोन्स को वो कहता है क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दे आर कर्नल्स। और जो इलेक्ट्रॉन है उसको उन्होंने फिश के साथ कंसिडर किया, और जो मूवमेंट करते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को मेटेलिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं हम। तो मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन और कर्नल्स के बीच के अट्रैक्शन को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर रहे हैं किसी भी मेटल में या एलॉय में, उसी की वजह से वो जो कंडक्टिविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। अब जो मेटेलिक कंडक्टिविटी है स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल के ऊपर, नेचर ऑफ मेटल, मेटल कैसा है एक तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी के ऊपर उसकी, फिर डिपेंड करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पेपर पॉइंट व्यू से हमारे लिए है, वो क्या है, टेम्परेचर, इसको मैं डिटेल में जाऊंगा। और एक डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर मेटेलिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, मगर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेम्परेचर, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। और ये दोनों में काफी डिफरेंस क्रिएट कर देता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टर में, कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मेटेलिक कंडक्टिविटी, जो मेटेलिक कंडक्टिविटी है स्टूडेंट याद रखना, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है वाई, तो उसी के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया स्टूडेंट कर्नल्स का, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी का, कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, पहले तो नॉर्मली है, अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो ये कर्नल्स यहाँ पे बीच में मैंने दिखाया स्टूडेंट, ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं,
वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो वाइब्रेशन होने की वजह से इनके और इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहा है, आप एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए कि आपके पास एक एक्वेरियम है या समुंदर है, उसमें जो पत्थर पड़े हैं अगर वो फिक्स पोजीशन पे पड़े हुए हैं तो मछलियां आराम से घूम रही हैं, मगर अगर वो हिलना डुलना स्टार्ट कर दे तो मछलियों के मूवमेंट में क्या आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो इस तरह जब कर्नल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जितना फ्रीली पहले मूव कर रहा था उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि मेटालिक कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेटालिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है स्टूडेंट, डिक्रीज कर जाती है। डिफरेंट डिफरेंट मेटल की कंडक्टिविटी अलग होती है, ये आप सबको क्लियर है। जैसे मान लो मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर और सबसे अच्छी मेटालिक कंडक्टिविटी शो करता है, फिर हमारे पास कॉपर आता है, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम आता है। अब हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा डिटेल में बात। जैसे मान लो NaCl है, आयनिक कंपाउंड को ही ले लो, इलेक्ट्रोलाइट NaCl, अब मैंने इसको वाटर के अंदर डाल दिया। अब जब मैंने इसको वाटर में डाला तो ये क्या हो गया, अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज और भी समझने वाली है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं है कि अगर सोलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रोलाइट को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास सारे स्ट्रॉन्ग बेस आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है, ठीक है, और हमारे पास जितने साल्ट हैं इनऑर्गेनिक वो आ जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड और वीक बेस आ जाते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस। ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में हम बार बार इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एग्जांपल भी याद होने चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो HCl आ गया, NaOH आ गया, साल्ट की बात करें NaCl आ गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग है यानी कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाते हैं। वीक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड आ गया, वीक बेस की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके ऊपर अगर इस टॉपिक के बारे में अगर स्टूडेंट आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो प्लेलिस्ट आप एसिड बेसिस एंड साल्ट में जाके इसको काफी डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं या मोल्टन स्टेट में आते हैं तभी वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस देख लीजिए, मेटल किसी भी स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेगा, चाहे सोलिड है, लिक्विड है, किसी भी स्टेट में, मगर इलेक्ट्रोलाइट केवल तभी कंडक्टिविटी शो करेंगे जब वो मोल्टन स्टेट में है या फिर हम उन्हें एक्वस सोल्यूशन या किसी सोलिड में डिजोल्व कर रखा है। सोलिड स्टेट में दे डू नॉट शो कंडक्टिविटी। अब बात करें इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे हम स्ट्रॉन्ग और उसकी बात करें, हमने जैसे यहाँ पे किया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने पॉइंट ले रखा है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता है इसमें ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम बात करें, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं ताकि मुझे याद रहे, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। नेचर ऑफ सोलवेंट एंड विस्कोसिटी, अब इसको आप किस सोलवेंट में डिजोल्व कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट को, अब वो सॉल्वेंट की अगर मान लो आयोनाइजेशन अच्छी है, जैसे मान लो डाइइलेक्ट्रिक पॉइंट हम बोलते हैं कि कुछ सॉल्वेंट में आयंस जाने के बाद इजिली डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ सॉल्वेंट में हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला मगर वो डिसोसिएट नहीं हो रहा इजिली आयंस में, तो वहां पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर कि सॉल्वेंट उसको ज्यादा इजिली आयोनाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितना ज्यादा इजिली यानी फोर्स ऑफ मान लो NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या है, आयनिक बॉन्ड है, तो वो आपस में बंधे पड़े हैं। तो जो हमने सॉल्वेंट डाला, जैसे हम वाटर डालते हैं, वाटर का एक काम क्या होता है, वाटर उसको डिजोल्व डिसोसिएट तो करता ही करता है, साथ में क्या करता है NaCl के अंदर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसको डिक्रीज कर देता है, और जिसकी वजह से आयंस फ्री हो जाते हैं और मूवमेंट करते हैं। जितना आयंस फ्री होगा उतना इजिली क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस शो करेगा। अब बात करें विस्कोसिटी की, अगर जो हमारा सॉल्वेंट हम ले रहे हैं अगर वो ज्यादा विस्कस है या सॉल्यूशन जो बना है हमारा वो विस्कोसिटी ज्यादा है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें साइज ऑफ आयन, मान लो मेरे पास कोई दो तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना स्मॉलर साइज होगा आयन का उतना इजिली वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, और उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगी।
मगर सोल्वेशन इफेक्ट की बात करें तो सोल्वेशन इफेक्ट थोड़ा सा हटके है। मान लो हमने किसी सोल आयंस में एक एक आयन जो है मोल्टन स्टेट में मूव कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो हाइड्रेटेड आयन बन गया। अब हाइड्रेटेड आयन का अगर बिगर साइज है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हाइयर इज द सोल्वेशन इफेक्ट, जितना ज्यादा सोल्वेटेड होगा, हाइड्रेटेड आयन होगा, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था अभी यहां मेटल और इसके अंदर, कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों करती है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जब हमारे पास चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इजिली आयंस में डिसोसिएट होगा। जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। मगर हमारे माइंड में क्वेश्चन आराइज होते हैं स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो वाटर में डालते ही कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब स्ट्रॉन्ग के केस में ऐसा क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको डिक्रीज कर देता है टेम्परेचर, और उसकी वजह से आयंस क्या होते हैं, फ्री मूव करते हैं, और उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या कर जाती है स्टूडेंट, इंक्रीज कर जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के केस में जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, वीक के केस में बड़े आराम से समझ आता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस में डिसोसिएट होता है और उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मगर स्ट्रॉन्ग के केस में कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हमने चाहे 5 ml पानी डाला, चाहे 10 ml डाला, चाहे 1 L डाल दिया, नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। अब क्यों डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, पहली बात तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो गए 5 ml वाटर के अंदर भी, मगर उनके पास स्पेस नहीं है मूवमेंट करने के लिए। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं तो मोर स्पेस मिलता है। दूसरी बात, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है आयंस के बीच में, उसको डाइल्यूशन करने से जो सोलवेंट है उसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देता है और आयंस इजिली मूव करते हैं, तो स्पीड ऑफ आयन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है डाइल्यूशन से। तो ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया। अब एक नया क्वेश्चन राइज होता है हमारे माइंड में कि आउट ऑफ मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा कंडक्टिविटी कौन शो करता है, तो याद रखना मेटेलिक। अब ऐसा क्यों आता है, ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि मेटेलिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज वेरी लेस देन मेटेलिक कंडक्टिविटी, वाई? तो कई रीजन है स्टूडेंट्स। पहला रीजन, इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री मेटल के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस के नंबर होते हैं इन कंपैरिजन टू फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर पाते हैं, आयंस का साइज इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बिगर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कम होती है और मेटेलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहां पे अगर हम बात करें कि मेटल के, मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी तभी होगी जब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में डेंस के केस में इलेक्ट्रॉन आयंस मूव नहीं कर सकते हैं, यानी जितना डेंस होगा तो आयंस की मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जबकि मेटल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट, जो मैंने एफर्ट्स किया है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो इन टॉपिक्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा।